गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि एक कैंपस टूर बनाया जाए YMCA फरीदाबाद का, तो आज आ चुके हैं हम अपने दो दोस्तों के साथ कैंपस टूर रिकॉर्ड करने के लिए। आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बताई जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत होगी मतलब कोई दिक्कत छोड़ेंगे नहीं, आप बिल्कुल तगड़े तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए फिर निकलते हैं अब शूट करने के लिए। तो भाई अभी मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरे को तो आप जानते होंगे, माई सेल्फ कपिल शर्मा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है जतिन यादव सर और देव खुराना जी, और हमारे कैमरामैन भी जिनका बर्थडे मनाया गया था, अंकुर यादव सर। चलो तो भाई चलते हैं अब कैंपस टूर के लिए। फरीदाबाद के सबसे नजदीक का मेट्रो स्टेशन वो है हमारा एयरपोर्ट परिसर फरीदाबाद में। तो भाई ये है हमारा YMCA का सबसे पहला एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जाती है सड़क जा रही है एक जो हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ जा रही है, और ये बाहर यहाँ पे नक्शा लग रहा है एक YMCA का। उसके साइड में हमारी एक बिल्डिंग है, साइड हट जा भाई, उसके साइड हमारे बिल्डिंग है, पता तो है नहीं किस चीज़ की, पर हाँ इतना है कि यहाँ पे सामने एक नई कैंटीन बन रही है, वो दिखाते हैं आपको। तो भाई सबसे पहले चलते हैं आपको, जो हमारी नई कैंटीन बन रही है ना, अभी तो बनी नहीं है, वो अभी तो पुरानी कैंटीन में चल रहे हैं, बाकी अभी जो हमारी नई कैंटीन बनने वाली है उसको दिखाते हैं आपको। बहुत सारी कैंटीन बनेगी, क्या पता ये आए तब तक तो बनी जाए, और जब तक आप आओगे वैसे तो जून के बाद बनी जाएगी, और जब तक आप आओगे तब तक तो यहाँ तगड़ा काम बन जाएगा। भाई ये बन रही है हमारी नई कैंटीन, यहाँ पे तो फिलहाल काम चल रहा है अभी, पूरी अच्छे से पूरी अंदर से अभी कुर्सियाँ वगैरह लगा रखी हैं ठीक ठाक से, बन जाएगी तो नई कैंटीन का काम चल रहा है। जब पूरा बन जाएगा तो शायद जून के बाद पूरी कैंटीन बन जाएगी, पूरा तगड़ा खाना मिलेगा आपको यहाँ पे। तो भाई चलो अभी चलते हैं अपनी YMCA की लाइब्रेरी की तरफ। ये YMCA की लाइब्रेरी, चलो अभी अंदर चलते हैं लाइब्रेरी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में बैग्स रखने के लिए स्लॉट्स दे रखे हैं बहुत सारे, तो अभी चलते हैं अभी अपने रीडिंग रूम। तो भाई वो तो हमारा रीडिंग रूम, अभी हम चलते हैं मेन लाइब्रेरी में जहाँ पे बुक्स वगैरह हम इशू करवा सकते हैं। चलो तो भाई ये हमारी लाइब्रेरी की शेल्फ्स, यहाँ से कोई भी कैसी भी बुक इशू करवा सकता है, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके प्रॉपर बुक्स वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ पर सब तरीके की बुक्स हैं, पता तो है कौन कौन सी रखी हुई हैं, पर हैं इतना है कि आपको एक एक बुक जितनी भी चाहिए मतलब जिस पर्पज़ के लिए भी चाहिए ना, हर किसी फील्ड की बुक्स हैं यहाँ पे, अराउंड 50,000 to 80,000 बुक्स हैं, और 1,50,000 और 1,00,000 प्लस भी हैं, मतलब बहुत सारी ई बुक्स भी हैं, तो प्रॉपर साइट है वगैरह की, मतलब साइट वगैरह सब कुछ है, आप कोई भी बुक इशू करवानी यहाँ से इशू करवा सकते हैं अगर आप YMCA में पढ़ते हैं तो। तो भाई ये थी हमारी लाइब्रेरी, अभी चलते हैं हम अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ। ये है कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, वो है हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, तो अभी चलते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में।
और ये हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और इसके सामने हमारा ग्राउंड YMCA का। ग्राउंड भी ठीक ठाक ही है, अभी इसमें घास में पानी लगना बाकी है, बाकी तो ठीक है, घास वगैरह भी पूरी ग्रीनरी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भाई हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट की मेन एंट्री, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। यहाँ पर अंदर तो क्लासेज हैं, अंदर क्या ही दिखाएं आपको, बाहर से देख लो। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, उसके साइड में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, और ये सामने YMCA का मेन गेट है, और साइड में हमारा ग्राउंड हमने दिखाई दिया। ये बास्केटबॉल कोर्ट है हमारा, और यहाँ से मेन, अगर यहाँ पे मतलब हॉस्टल वगैरह के लिए एंट्री गेट है, और ये हमारा लाल चौक है, इसको लाल चौक कहा जाता प्यार से क्योंकि लाल है इसलिए। और अभी पहुँच चुके हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने। तो भाई फिलहाल हैं हम लाल चौक पे, और ये हमारा लाल चौक है, वहाँ पे हमारा हेल्थ सेंटर है, और ये स्पोर्ट्स रूम है YMCA का, यहाँ पे साइकिल है, मैम वगैरह मैम की हैं, और बहुत सारे वहाँ काम करते हैं, मंदिर दिखाता हूँ। तो अभी तो स्पोर्ट्स रूम खुला है, अभी तो स्पोर्ट्स रूम खुला है, और यहाँ पर आप कोई भी, जैसे कोई भी गेम आपको है तो यहाँ बॉल वगैरह इशू करवानी है तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे प्लेइंग वो हैं, बैट वगैरह इशू करवाना, बॉल वॉलीबॉल वगैरह कुछ भी इशू करवाना यहाँ से करवा। और ये हमारी डिस्पेंसरी YMCA की, अगर किसी को भी चोट लग जाए व्लॉगिंग करते टाइम किसी को भी चोट लग जाए तो यहाँ पर तुरंत दिखा सकते हैं। वैसे मोस्टली टाइम बंद ही रहता है, चोटिल बच्चे होते नहीं हैं, खुला रहता है वो दरवाजा ही बंद है सिर में। तो भाई ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के सामने यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और इधर की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे सामने टीचर्स के फ्लैट्स वगैरह हैं और हॉस्टल वगैरह हैं। तो हॉस्टल चलते हैं फिलहाल, पहले हॉस्टल दिखाते हैं आपको बाहर से, गर्ल्स हॉस्टल है वैसे तो उधर, बॉयज़ हॉस्टल तो साइड में, वो भी दिखा देंगे आपको, पहले देखते हैं गर्ल्स हॉस्टल। तो भाई इसमें एंट्री करने के बाद यहाँ पे सामने हमारा VC ऑफिस, और इधर है विवेकानंद ऑडिटोरियम जहाँ पे हमने एक आध ब्लॉग भी शूट करा था, वहाँ से गर्ल्स आ रही हैं, तो वहीं हमारा गर्ल्स हॉस्टल, हमारा नहीं गर्ल्स का, और यहाँ पे वाइस चांसलर का हमारा वो है ऑफिस है। ये नई बिल्डिंग बन रही है कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है टीचर्स के लिए बनने के बाद की, कहा जा रहा है कि हॉस्टल बन रहा है बच्चों का। तो भाई गर्ल्स हॉस्टल के सामने अगर हम चलते हैं, यहाँ पे है हमारा मैनेजमेंट स्टडीज MBA वगैरह की बिल्डिंग, MBA वगैरह की है हाँ शायद, तो मैनेजमेंट स्टडीज़ की बिल्डिंग है, विवेकानंद मंच के पीछे की तरफ का एरिया, और यहाँ पे टीचर्स के फ्लैट है, यहाँ टीचर्स के फ्लैट, बैक गेट और दिखाओ यहाँ से सीधे, और अभी हम चल रहे हैं बैक गेट की तरफ, वैसे तो अलाउड है नहीं बैक गेट में। इधर से आगे अगर हम सामने जाएंगे तो वहाँ पे YMCA का बैक गेट है जहाँ से एंट्री गर्ल्स को ही मिलती है अभी। तो भाई अभी चलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर। इधर की साइड में भाई मल्टीमीडिया हॉल है, और इधर की साइड में वर्कशॉप के लिए जगह है। अभी चलते हैं वर्कशॉप की तरफ, वर्कशॉप दिखाते हैं आपको भाई। जिन जिन बच्चों को लगता है कि कंप्यूटर साइंस में हमें मैकेनिकल का काम नहीं करना पड़ता, भाई फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ करना पड़ता है भाई। और यहाँ पे अभी सुमित्र की वर्कशॉप चल रही है, तो दिखाते हैं उनको, दिख जाता है तो कोई सा। ये है वेल्डिंग की वर्कशॉप, और सामने मशीन की वर्कशॉप है, यहाँ पे जितनी मशीन है वो जर्मनी से इम्पोर्टेड है, बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई अभी चलते हैं शकुंतलम हॉल की तरफ, और पीछे से CV रमन की तरफ। तो भाई ये हैं कंप्यूटर साइंस के बच्चे, इनके वर्कशॉप चल रही थी भाई, क्या वर्कशॉप है, वेल्डिंग करा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस तो कोडिंग सोच के ली थी इन्होंने, कोडिंग सोच के कंप्यूटर साइंस ली थी, बढ़िया वेल्डिंग कर रहे हैं, इनके शकल पे वेल्डिंग दिख रही है आपको। तो भाई चलो चलते हैं अभी यहाँ से आगे, वेल्डर्स को तो दिखा दिया हमने आपको, ये हमारा वुमेन वेलफेयर सेल यहाँ पे, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी होती है कुछ भी, जैसे कॉलेज में लड़ाई फड़ाई होगी, और यहाँ पे थोड़ा सा आसमान देख लो, ये हमारा शकुंतलम हॉल, शकुंतलम हॉल की बैक साइड है अपनी, यहाँ से छोटा सा रास्ता CV रमन जाने के लिए, आज दिखा देते हैं। ये हमारी इस गली को वैसे तो बोला जाता बदनाम गली, और ये हमारा तरन्नम का म्यूजिक हॉल, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और अभी चलते हैं इसके मेन गेट पे। तो अभी हम चल रहे हैं शकुंतलम हॉल के मेन गेट की तरफ, ये हमारी कंप्यूटर डिपार्टमेंट का पीछे से व्यू है, जैसा आगे से था वैसे ही पीछे से भी है, ये सेम ही है बिल्कुल। और यहाँ पे कोई भी फोटोकॉपी वगैरह करवानी है तो आप करवा सकते हो,
बॉयज़ हॉस्टल भी दिखाते हैं अभी आपको, और यह है कैंटीन, बॉयज़ हॉस्टल के नीचे पुरानी कैंटीन हमारी, और इस सफंतरम का फ्रंट व्यू है यहाँ से। चलो भाई सबसे पहले चलते हैं कैंटीन में। और भाई ये है हमारा शकुंतलम हॉल, बहुत ऊँचों ऊँचाइयों तक है भाई। अभी चलते हैं अंदर, इसके वैसे बंद ही पड़ा यार, एक यही अंदर जाएंगे इसके। और भाई जो भी आपकी काउंसलिंग होगी ना वो इसी में होगी, आपको अंदर से दिख रहा होगा यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जितनी सारी भी काउंसलिंग होगी इसी के अंदर होगी। फिजिकल काउंसलिंग मेनली जो होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना सब यहाँ पर सेटअप कर दिया जाएगा और सब कुछ यहाँ पर होगा। ये एक चीज़ के लिए फेमस है, इसमें बहुत बड़ा पंखा लग रहा है और दिख नहीं रहा आपको फिलहाल। अब दिखाते हैं आपको बॉयज़ हॉस्टल जो कि टूट गया भाई, नया बॉयज़ हॉस्टल बना रहे हैं वैसे तो, या पता नहीं बना रहे हैं इसी को रिन्यू करवाएंगे। तो ये हमारा सी वी रमन हॉल है बॉयज़ हॉस्टल के अंदर, सामने पूरा देखो हमको दिखाई देते हैं अंदर जाके, परमिशन है तो नहीं वैसे, कोई भी बखरा सकता है यहाँ के। बाकी ये था हमारा बॉयज़ हॉस्टल, अब तो नहीं है, अब तो टूटा पड़ा है, यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो इस बार जो बच्चे आएंगे उनको तो मिलेगा नहीं हॉस्टल, उनको भी हमारी तरह ही घर से अप डाउन करना पड़ेगा, पीजी वगैरह लेना पड़ेगा। पीजी हाँ पर ये पीजी बहुत सारे हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ वाईएमसी के अंदर एक रॉयल इनफील्ड का ये बन रहा है शोरूम सा, इसमें मतलब जो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं या फिर कुछ भी रॉयल इनफील्ड से रिलेटेड वो सभी इसमें होता है। बाकी ज़्यादा जानकारी तो इसके बारे में मुझे है नहीं, हम कभी इसके अंदर ही नहीं गए। बाकी ये है कि यहाँ जितनी भी पुरानी से लेकर नई बुलेट बाइक्स हैं वो सभी इसके अंदर हैं। और भाई शकुंतलम के पीछे ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बैक साइड, फ्रंट साइड से दिखाते हैं आपको जाके आगे। तो भाई ये है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की फ्रंट साइड, यहाँ पे पेड़ों ने छिपा रखी है। बाकी यही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पहले तो वाईएमसी इसीलिए फेमस था यार मैकेनिकल के लिए, अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों ने धुआं उठा रखे हैं। ये रहे अब ये उठा गए ना धुआं वेल्डिंग वर्कशॉप में, बढ़िया। तो ये है भाई हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाईएमसी का। अभी चलते हैं सी वी रमन की तरफ, और भाई अभी हम चल दिए हैं सी वी रमन की तरफ, और अभी आपको हम इसकी ऊँचाई दिखाते हैं, ऊंचाइयों तक, पूरी ऊंची ऊंचाइयों तक, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है ये। और यही मेरे हिसाब से यही बिल्डिंग है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हाँ वाईएमसी अच्छा है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में बहुत ही तगड़ी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। बाकी यार मैं नहीं समझता कि और किसी रूम में इतनी अच्छी, मतलब फैसिलिटीज़ अच्छी हैं पर इतनी अच्छी नहीं है। तो ये फ्रंट साइड है सी वी रमन की, बाकी नौ माले की बिल्डिंग है, लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं लेकिन बहुत ही बिजी हैं। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा पैदल ही जाना पड़ता हमें, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, थोड़ी बहुत देर वेट करोगे तो लिफ्ट मिल ही जाती है। मेरा भैया हमारा सी वी रमन ब्लॉक, इसमें यहाँ पे मास एंड कम्युनिकेशन। तो भाई हमारा सी वी रमन के अंदर यहाँ पे मीडिया स्टूडियो है, यहाँ पे अनूप भाई भी आए थे एक बार, उनका इंटरव्यू हुआ था। प्रॉपर एडिटिंग वगैरह रूम आपको दिखाते हैं, और ये है ड्रेसिंग रूम। तो देख लो भाई वाईएमसी में ड्रेसिंग रूम भी होता है, यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं या फिर किसी का भी वो होता है इंटरव्यू, तो उनकी ड्रेसिंग वगैरह यहाँ से ही होती है। तो यहाँ पे सी वी रमन में आप सीढ़ियों से ऐसे ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पे लिफ्ट लग रही है, यहाँ पे दूसरी लिफ्ट स्टाफ के लिए, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम दे रखा है, ये सी वी रमन का मेन हुआ है। चलो भाई अभी चलते हैं वाईएमसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ, जहाँ पे आपको जो भी क्वेरी है वहाँ से आप पूछ सकते हैं फीस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो चलते हैं अभी वहाँ। तो भाई वो तो मेरे से गलत भूल गया था, हम आ गए हैं अभी फिलहाल अकेडमिक ब्रांच में, ये अकेडमिक ब्रांच है जहाँ पे आप जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग या फीस के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, और इसके सामने है बीवॉक डिपार्टमेंट। चलो अभी वहाँ चलते हैं। और भाई ये बिल्डिंग में इसमें यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर सर्विसेज भी हैं, किसी के साथ कोई भी घोर अन्याय हुआ हो जैसे हमारे साथ हुआ है, हॉस्टल नहीं मिला तो वो यहाँ पे अपनी क्वेरी दर्ज कर सकता है। और अभी हम चलते हैं बीवॉक की बिल्डिंग के आगे। तो
भाई ये है बी वॉक डी वॉक क्या लिख रहा है, कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यहाँ से बी वॉक की बिल्डिंग है 4-5 मालों की, बी वॉक डिपार्टमेंट है, उसके सामने है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। चलो अभी यहाँ चलते हैं। तो भाई ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिस। तो जितनी भी कंपनियाँ आती हैं आपको दिखाते हैं पहले कितनी कंपनियाँ आती हैं। आप देखो भाई लाइन से इतनी सभी कंपनियां यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यहाँ के टॉप रिक्रूटर लास्ट ईयर रहा था सैमसंग और अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट, सारी ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आती हैं। और कंपनियों के लिए मतलब ऊपर यहाँ पे जो भी कोई भी कंपनी आती है हायर करती है स्टूडेंट्स को, उसके लिए ऊपर प्रॉपर रूम्स होने पड़े हैं। तो ये हैं कंपनियां भाई, एक बार प्रॉपर व्यू देख लो आप। तो भाई यहाँ से मतलब एक तो वहाँ पे सामने मेन गेट था हमारा और एक इधर की तरफ से आते हैं दूसरी तरफ, ये बैक व्यू। तो ये है हमारा बैक व्यू, यहाँ से आप ही मैंने आपको दिखाया था सामने मैकेनिकल डिपार्टमेंट और ये हमारा, ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मतलब जो वही सेल वगैरह है स्टूडेंट वेलफेयर सेल, और नीचे जेई वे जेई हैं YMCA में उनके ऑफिस हैं। और नई मदर डे दिखाते हैं, यहाँ बच्चों का ठिकाना रहता है और बहुत सारे बच्चों का ठिकाना यहाँ पे रहता है मदर डेयरी की तरफ, वो भी दिखाते हैं आपको। छोटा सा खोखा खोल रखा है, वैसे तो बड़ा हो जाएगा, अभी कैंटीन बन रहा है ना प्रॉपर। और उससे पहले दिखाते हैं आपको यहाँ पे YMCA में ATM भी है भाई और इंडियन ओवरसीज़ बैंक भी है, किसी को कोई इशू है बैंक के रिगार्डिंग पैसे वैसे निकालने दूर से बच्चे आते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। और अभी ये दोनों जा रहे हैं दूध पीने अकेले अकेले, मेरी मिल्क शॉप। तो किसी को भी दूध पीने की कोई इच्छा हो तो यहाँ पे शुद्ध दूध मिलता होगा शायद, पता नहीं। और बाकी भाई टीचर्स के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और ये हमारा बी वॉक डिपार्टमेंट, पीछे से बी कॉम और बहुत सारे जो कोर्सेज हैं ना कॉमर्स के वो सभी यहाँ पे हैं। तो अभी हम पूरा रिकॉर्ड करते करते गोल घूमते घूमते अभी पहुँच गए हैं फिलहाल इसके मेन गेट की तरफ जहाँ से हमने एंट्री ली थी। और यहाँ कुछ बच्चे वाइट और ब्लैक पैंट में दिख रहे हैं, लग रहा है इनकी प्लेसमेंट है आज। तो बच्चे कुछ आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए वहीं पे जा रहे हैं, अभी मैंने दिखाया था आपको इतनी सारी कंपनियां आती हैं। तो भाई इस मामले में तो YMCA ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया कंपनियां आती हैं यहाँ पे और बढ़िया पैकेज देती हैं, ऐसे बच्चे को बढ़िया पैकेज मिलेगा और हमें, और आशा करते हैं कि मेरे को भी और ये हमारे पीछे चल रहा है हमारा भाई इसको भी बढ़िया प्लेसमेंट मिले और आपको भी बढ़िया प्लेसमेंट मिले YMCA में आने के बाद। तो अभी हम दिखाते हैं आपको, फिलहाल हम भी वहीं पहुँच चुके हैं, फ्रंट व्यू है यहाँ से देख लो। और ये वही वाली बिल्डिंग है मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे नई कैंटीन बन रही है ऊपर से और नीचे तक पूरा देखो, नई बच्ची भी नहीं। तो ये जा रहे बच्चे जिनके प्लेसमेंट आज। तो अभी हम आ चुके हैं भाई मेन गेट पे, यहाँ पे एक बात और है भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक बहुत ही बढ़िया है, मतलब कोई एंट्री फर्जी एंट्री कोई भी नहीं ले सकता, यहाँ पे प्रॉपर आई कार्ड वगैरह की चेकिंग होती है। और ये हम फिर दोबारा से पहुँच चुके हैं अपने मेन गेट में, अभी एक बार आपको प्रॉपर ग्राउंड का व्यू दिखा देते हैं। तो भाई अभी वहाँ से पूरा गोल घूम के रिकॉर्ड करने के बाद हम आ सकते हैं ग्राउंड में, देख लो भाई बहुत ही बड़ा बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं और मैं भी YMCA की क्रिकेट टीम में हूँ। और जो रिकॉर्डिंग कर रहा है जतिन भाई वो भी हमारे बैडमिंटन और वॉलीबॉल में भी हैं, पिंटू भाई एथलेटिक्स में। तो मेन कहने की चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, YMCA की बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ है स्पोर्ट्स की भी, तो स्पोर्ट्स के मामले में भी अच्छा ही है, ग्राउंड वगैरह आप देख रहे हो बढ़िया है। और बाकी कैंटीन हमारे यहाँ पे नया बन जाएगा। और भाई एक चीज़ रह गई थी, जैसे आप YMCA विज़िट करने के लिए आते हो तो आप ऐसे यहाँ से घूम के प्रॉपर आगे यहाँ पे मतलब काउंसलिंग के बारे में पूछना है या फिर किसी एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछना है तो वहाँ पे अभी दिखाते हैं आपको कहाँ पूछ सकते हो आप उसके बारे में। जैसे आप वहाँ सामने से आओगे तो आप यहाँ पे कोई भी पूछताछ करनी है आपको एडमिशन के रिगार्डिंग, ये बिल्डिंग है यहाँ पे आप पूछ सकते हो। यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं जो कि बताते हैं कि कब से काउंसलिंग शुरू होगी, क्या रैंक है, मतलब वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आके दे देंगे। और हाँ भाई एक चीज़ और बतानी मैं भूल गया, जैसे आप कोई भी लोग यहाँ पे एडमिशन वगैरह के लिए पूछताछ करने के लिए आते हो तो अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, मतलब उनकी हार्ड कॉपीज़, क्योंकि वहाँ पे कई बार एंट्री करनी होती है तो बिना एंट्री के वो अंदर आने नहीं देता आपको, तो वहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री करवाते हैं आपका डॉक्यूमेंट देख के, तो उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी, फिर आप यहाँ पे कुछ भी आके पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइस यही था आज का हमारा कैंपस टूर, आप मैंने कोशिश करी है पूरा कॉलेज दिखाने की अच्छे से, और हमारे जतिन भाई ने तो वैसे कुछ करा नहीं है, साथ में हमारे पिंटू भाई इन्होंने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा मैंने करा, पूरा क्रेडिट जाता मेरे को, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, सबको क्रेडिट जाता है हमारे साथ, सभी बच्चों ने बहुत ही मिल के काम करा है।
दोस्तों आज आपके लिए सिर्फ आपके लिए कैंपस टूर पूरा वाईएमसीए का, और आपसे हमें उम्मीद है आप पूरी इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है भाई, तो कर देना यार लाइक।